सब लोग कैसे हो टेक्स हम YouTube चैनल से मैं सॉन्ग है। तो रियलमी ने जब नार्जो 20 सीरीज लॉन्च किया था, नार्जो 20 सीरीज का तीनों फोन को ही मुझको अच्छा लगा था, बट नार्जो 30 सीरीज के अंदर नार्जो 38 को मुझको अच्छा नहीं लगा। मतलब नार्जो 38 अगर देखेंगे 4GB 64GB के साथ आपको 10,000 रुपये में मिल रहे, बट अगर आप ये फोन को गौर से नोटिस करेंगे तो आपको इसका अंदर जो काफी सीरियस कुछ आपको कमियां देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप प्लीज देख लीजिए और आपको जानने को मिलेगा क्यों आपको नार्जो 38 को छोड़कर नार्जो 20 या 20 को लेना चाहिए और आपकी वीडियो से जानने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप प्लीज देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो तीनों का तीनों फोन ही जो प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन के साथ आ रहा है एंड तीनों फोन में जो आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा, जिससे जो है ये तीनों फोन के अंदर कोई भी अगर फोन लेते हो हाथ में तो आपको ओवरऑल जो हाथ में अच्छा खासा ग्रिप देखने को मिलता है। बट नार्जो 20 का अगर डिजाइन देखेंगे बहुत सिंपल एक डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ खास आपको डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा, पीछे आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा। बट सेम टाइम नार्जो 38 एंड नार्जो 20 का देखेंगे ये दो फोन में जो है आपको जो है कैमरा माउंट का डिजाइन सेम देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट का पोजीशन भी सेम देखने को मिलेगा, मतलब D2 आपको सेम डिजाइन आपको इधर फॉलो करते हुए देखने को मिलेगा दोनों फोन में। तो ओवरऑल डिजाइन अच्छा ही है, बहुत कुछ खास आप नहीं बोल सकते, बट अच्छा खासा एक डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, इंप्रेसिव डिजाइन आप बोल सकते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो नीचे आपको तीनों फोन में चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, हालांकि आपको नार्जो 38 में जो है आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, बाकी दोनों फोन में माइक्रो यूएसबी देखने को मिलेगा। दोनों फोन तीनों फोन में जो है आपको स्पीकर भी नीचे देखने को मिलेगा, ड्यूअल सिम प्लस एसडी कार्ड तीनों फोन में सेम टाइम आप यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर तीनों फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो नार्जो सबसे पहले 20 को देखेंगे तो इधर आपको 6.5 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद कॉर्निंग ग्लास 3 सपोर्ट। सेम टाइम नार्जो 30 में जो है आपको 6.51 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा वार्निंग ग्लास 3 सपोर्ट। सेम टाइम जो है नार्जो 20 को देखेंगे तो इधर भी आपको 6.52 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा HD प्लस रेजोल्यूशन का, इधर भी जो है आपको वार्निंग ग्लास 3 सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो का पानी बटन जाने के पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं सम्राट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो में प्लीज एक लाइक देकर हम लोगों का वीडियो का लाइक टारगेट 50 रखकर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है फिल फ्री होकर कमेंट कीजिए, कमेंट के आंसर मिल जाएगा एंड चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन दबा दीजिए, इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट अगर तीनों फोन में रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करेंगे तो तीनों फोन में आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगा 1800 MHz का आसपास का फ्रीक्वेंसी के ऊपर एंड तीनों फोन में जो आपको LPDDR5X EMMC 5.1 स्टोरेज आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तीनों फोन का बैटरी सेगमेंट को लेकर, तो नार्जो 20 में जो है आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, 10W का चार्जर आपको इनबॉक्स दिया गया, तो चार्जिंग होने में तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट बाकी अगर दोनों फोन को देखेंगे बाकी दोनों फोन मतलब नार्जो 30 एंड नार्जो 20 दोनों में आपको 6000 mAh की बैटरी है, दोनों में 18W का चार्जर आपको इनबॉक्स दिया गया, थोड़ा फास्टली तो चार्ज हो ही जाएगा। प्लस एक एक्स्ट्रा एडवांटेज नार्जो 38 के पास ये है इधर जो आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल बैटरी क्वालिटी की वाइज देखा जाए तो तीनों फोन को मोर एंड लेस सिमिलर कैटेगरी के अंदर ही आप रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीनों फोन का परफॉर्मेंस सेंटर में लेकर, तो स्नैपड्रैगन 665 जो मेरा जो है पर्सनली बहुत ही फेवरेट प्रोसेसर है ये देखने को मिलेगा आपको नार्जो 20 के अंदर। एंटिटी के ऊपर बेंचमार्क आपको 1,80,000-1,85,000 के बीच में जनरली देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेसर ये गेमिंग परफॉर्मेंस बोलिए नॉर्मल गेमिंग के लिए ये एक अच्छा का आपका चॉइस हो सकता है, प्लस ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो आपको जो है डेवलपर सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। नियर फ्यूचर अगर आप कस्टम रॉम इंस्टॉल करना चाहते हैं या GRAM का अच्छा सपोर्ट आपको लेना चाहिए तो ये फोन को आप बस देख सकते हैं। सेम टाइम जो है नार्जो 38 एंड नार्जो 20 दोनों में आपको मीडियाटेक का हेलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसके एंटिटी के ऊपर बेंचमार्क जो 2 lakh से ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस बोलिए हाँ आपको स्नैपड्रैगन 665 से थोड़ा बेटर मिलेगा, बट मोर और लेस तीनों फोन सेम ही है, बट फिर भी नार्जो 20 एंड नार्जो 38 के पास थोड़ा एडवांटेज रहेगा मीडियाटेक हेलियो G85 के साथ। नेक्स्ट अगर कैमरा की बात करेंगे सबसे बड़ा कॉन्स जो है नार्जो 38 का यही है, तो नार्जो 20 में जो है आपको 12 MP का एक कैमरा देखने को मिलेगा अपर्चर है 1.8, सेकेंडरी 2 MP का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर, तीसरा है मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो 12 MP का ये जो सेंसर है डे लाइट कंडीशन में तो आपको अच्छा खासा फोटो क्लिक करेगा, लो लाइट में भी ओवरऑल इंप्रेसिव आपको क्लिक
फोटो करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखिए मैं काफी पिक्चर देखे ये सब देखकर एक चीज तो मैं क्लियर हो गया कि नार्जो 20 का पिक्चर क्वालिटी अच्छा खासा आता है एज पर द बजट। सेम टाइम अगर नार्जो 20 को देखा जाए तो इधर आपको प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, अपर्चर 1.8 सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिल रहा है, तीसरा जो है आपको 2 मेगापिक्सल का और एक सेंसर देखने को मिलेगा। ये कैमरा भी काफी अच्छा है, डे लाइट में तो अच्छा क्लिक करेगा, लो लाइट में भी आपको अच्छा खासा फोटो क्लिक करते देखने को मिलेगा, इतना अच्छा सेंसर मिल रहा है। सेम टाइम अल्ट्रावाइड लेंस को डे लाइट कंडीशन में आप काफी अच्छा काम में ले सकते हैं। सेम टाइम अगर हम लोग नार्जो 30 को देखेंगे तो इधर जो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, अपर्चर 2.2 की सर। ये सेम सेंसर इसका पहले जो रियलमी का C11, C12, C15 में यूज किया, एंड ये C सीरीज का ये तीन फोन को अगर देखते हैं तो कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। सेम इधर भी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, मतलब कैमरा क्वालिटी में ये फोन जो काफी पीछे रह जाएगा नार्जो 20A एंड 20 से। तो यही है सबसे बड़ा कॉन। आप अगर 10,000 रुपया देकर कोई एक फोन लेने के लिए सोच रहे हो, जब अगर आपको इस तरह का परफॉर्मेंस मिलेगा कैमरा में तो ऑब्वियसली ये डिसअपॉइंट वाला चीज है। सबसे बड़ा कॉन्स यही लगा ये फोन का, इसके अलावा किलो का किलो फोन में जो 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। वीडियो रिकॉर्ड की बात करेंगे तो नार्जो 20 एंड नार्जो 30 दोनों में आपको 180p की पर वीडियो देखने को मिलेगा, प्लस इधर स्लो मोशन जो है 720p/120fps में देखने को मिलेगा। बट मोस्ट इंटरेस्टिंगली नार्जो 20 में जो है आपको 4K तक वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा 30fps में, 180p/60fps वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्लो मोशन जो है 120fps एंड 120fps/240fps दोनों तरह का सपोर्ट देखने को मिलेगा, एंड ये पॉसिबल हुआ इजली बिकॉज ऑफ इधर स्नैपड्रैगन 665 ऊपर नेटिवली 4K वीडियो रिकॉर्ड की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये सब स्पेसिफिकेशन देखकर आपको कौन सा फोन सबसे अच्छा लगता है, तो मैं आपको ऑब्वियसली बोलूंगा अगर आपको कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो आप ऑब्वियसली नार्जो 20 नहीं तो नार्जो 20A के पास ही जाइए। ये तो फोन जो वीडियो सेगमेंट कैमरा सेगमेंट में काफी अच्छा है, जैसे अगर फोटोग्राफी की बोलिए उसके साथ परफॉर्मेंस को आपको खास ध्यान देना है तो आपके लिए जो है नार्जो 20 एक काफी अच्छा चॉइस होने वाला है। और अगर आपको वीडियो ज्यादा पायरेट है तो उस मामले में मैं बोलूंगा जो नार्जो 20A के साथ ही जाइए। प्लस मैं मेन वीडियो में बोलने में भूल गया, नार्जो 20A में आपको EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है इस तरह फोन में 9,500 रुपया में। तो ये सब लेकर मैं आपको बोलूंगा लेना है तो नार्जो 20 के साथ ही जाइए। आई होप आपको ये वीडियो से क्लियर हो गया क्यों आपको नार्जो 30A के साथ नहीं जाना चाहिए। ये आपको 10,000 रुपया का एक फोन है बट इधर आपको किसी तरह अच्छा खासा कैमरा भी नहीं मिल रहा है, EIS की तरह फीचर भी नहीं मिल रहा है, कैमरा में आपको कमियां देखने को मिल रहा है। जब आपको सेम टाइम 500 रुपया ज्यादा देकर नार्जो 20A की तरह एक अच्छा खासा कैमरा सेटअप मिल रहा है, या 500 रुपया कम देकर भी अगर आप देखेंगे नार्जो 20A को जिधर आपको अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्ड की प्रॉपरली सपोर्ट है, कैमरा ओवर सेंसर का जो सपोर्ट है वो भी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो क्यों आप नार्जो 30A के साथ जाइए वो आप बताइए। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग का ये वीडियो का लाइक टारगेट जो 50 रख लिया फिर कीजिए। वीडियो देखने की कुछ भी चीज जानना है फिर फ्री होकर नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट करके आपको जरूर मिल जाएगा। चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, इस तरह वीडियो पर फ्यूचर नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। फिर एक नया वीडियो मिलने वाला है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।